नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, ये 10th की स्वाध्याय पुस्तिका जो बुक है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स को जो बुक मिलती है जिसके बेस पे लोगों का इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। इससे पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम लोग के सॉल्व हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 और 6 रेड्यूस सिलेबस से रेड्यूस हो गया तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए। इफ़ ए डाइस इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अपर फेस बियरिंग एन ऑड नंबर इज, तो डाइस में सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6 होता है और अपर फेस बियरिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितना होता है वो आपको लिखना है। तो ऑड नंबर 3 है डाइस में 1, 3, 5, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर इज 1/2। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो देर आर 4 क्वींस इन अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52, 4 1 जा 4 13, दैट इज 1/13, जो आपका ए ऑप्शन है। इसी तरह बहुत सिंपल से दो एमसीक्यू थे। पहला क्वेश्चन है इफ़ वन डाइस रोल्ड एंड इवेंट इज ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर पूछा हुआ है तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिख देंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ एस 6, इवेंट ए ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ऊपर के एमसीक्यू में ऑड नंबर बोला गया था और यहाँ पे इवन नंबर, तो इवन नंबर 2, 4, 6 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से, आपको उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एन इवेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2, नंबर ऑफ एस इज 52, देन फाइंड नंबर ऑफ बी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बोर्ड में भी सितंबर 2021 में एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो फाइंड करना है हम लोग को नंबर ऑफ बी, तो ये ऊपर चले जाएगा तो इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपना 1/2 है और नंबर ऑफ एस 52 है, 2 1 जा 2 26 जा, सो आंसर इज 26। क्लियर, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए। इवेंट इज गेटिंग एट द मोस्ट 1 टेल व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड, एट द मोस्ट 1, एट द मोस्ट 1 का मतलब होता है एक या एक से कम, मोस्ट का मतलब है एक या एक से कम, लीस्ट का मतलब है जितना उससे ज़्यादा जाएंगे, लीस्ट में आगे जाना है, मोस्ट में पीछे जाना है, जो उसका मीनिंग है उसका रिवर्स करना है आप लोगों को। तो सैम्पल स्पेस क्या है, HH ST TH और TT, तो यहाँ पर आपका सैम्पल स्पेस कम्प्लीट हो गया। गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, तो एटमोस्ट 1 टेल आने के चांस कितने हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक तो HH पॉसिबल है जिसमें एक भी टेल नहीं है और एक ST पॉसिबल जिसमें एक टेल है, TH इसमें भी एक टेल है, तो 3 एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S 3/6, दैट इज सॉरी 3/4 बिकॉज कॉइन है, तो 3/4 आ गया यहाँ पे इसका आंसर। पहला क्वेश्चन, लेट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड राइट नंबर ऑफ एस, तो इफ 2 कॉइन्स आर टॉस सैम्पल स्पेस, अब भी हमने जो ऊपर से किए सेम टू सेम क्वेश्चन HH ST TH और TT, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू 4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए। अगर सैम्पल स्पेस यहाँ पर भी 2D नंबर फॉर्म करना है आप लोगों को, तो सब में स्मॉलेस्ट 2D नंबर 0 1 नहीं होता बेटा, हमेशा तो 1 0 स्टार्ट करना 10 से और विदाउट रिपीटेशन, तो 11 नहीं आएगा इसके अंदर, तो 10 12 और 13, 10 12 13, तो 1 का कंप्लीट हो गया आपका। अब 2 से स्टार्ट करो, 20 21 और 23, 22 भी नहीं आएगा, फिर 30 31 और 32, 33 नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज 9। एस पूछा गया था, नंबर ऑफ एस पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, तो दोनों की कमिटी बनाना आप लोगों को, इसका ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। पहले आप लोग पूरा लिख लेंगे यहाँ पे B1 B2 G1 G2, अब इसको यूज़ करके हम लोग देखो किस तरह से बनाएंगे। सब में पहले हम लोग एस सैम्पल स्पेस में 2 का पैर बनाना है, तो B1 से स्टार्ट करोगे, B1 B2 पहले बन गया, उसके बाद में B1 G1 बनाना आपको, ओके, B1
G1, उसके बाद में B1, G2। तो B1 के जितनी पॉसिबिलिटी है उसको आप लोग फर्स्ट लाइन में कंप्लीट कर दोगे, B1, B2, B1, G1 और B1, G2। तो ये आपका B1 कंप्लीट होगा, B1 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे बढ़ेंगे B2, G1, उसके बाद में आएगा B2, G2, B2 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लास्ट में बचेगा G1, G2। तो इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी और बहुत सिंपल से आपको सब आंसर मिलेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पॉसिबिलिटी है। अगर 3 मैन और 2 वुमेन है तो उस टाइम पे 10 पॉसिबिलिटी रहती थी। ओके, तो बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में उसको पहले रीड कर लेते हैं लोग। अ बॉक्स कंटेंस 3 रेड 3 ग्रीन बॉल्स, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स एट रैंडम साइमल्टेनियसली। दो दो बॉल का ग्रुप बनाना है आपको। तो 3 रेड है तो इट विल बी R1, R2, R3, 3 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स है, और G1, G2, G3। तो सैम्पल स्पेस कैसा बनेगा आपका, पहले R1, R2 बनेगा, देन R1, R3 बनेगा, देन R1, G1 बनेगा आपका, R1, G2 बनेगा, और लास्ट में R1, G3। तो इस तरह से आपका R1 का सेट कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में R2 से स्टार्ट करेंगे। तो R2 का R3 से पैर बनेगा पहले, फिर R2 का G1 से बनेगा, R2, G1, फिर R2, G2, फिर R2, G3। तो अब आपका R2 भी कंप्लीट हो गया। सेम वही पैटर्न फॉलो करना जो इससे पहले हमने पीछे फॉलो किए। अब R3 से स्टार्ट करेंगे, R3, G1, R3, G2 एंड R3, G3। लास्ट में G1, G2, G1, G3 एंड G2, G3। एक एक हर लाइन में कम होता जाएगा। पहले में 1, 2, 3, 4, 5 है, फिर 4 है, इस तरह से 3, 2, 1, इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ एस कितना है, 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 3, 12, 12 प्लस 2, 14, 14 प्लस 1, 15। तो सैम्पल स्पेस आपको कितना मिला, 15। तो बहुत सिंपल से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस लिख दिया गया है। तो नंबर ऑफ एस पूछा गया तो 36 होता है नंबर ऑफ एस। द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब होता है 10 या 10 से बड़ा। तो 10 के नंबर जो है वो लिखना आपको। समय पहले आएगा यहाँ पे 4, 6 पॉसिबल है यहाँ पे, तो 4, 6 लिख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में 5, 5 पॉसिबल है तो 5, 5 लिख लेंगे हम लोग, 5, 5। फिर 5, 6 पॉसिबल है तो 5, 6। फिर 6, 4 पॉसिबल है तो 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉसिबिलिटी है। तो राइट द फॉर्मूला बोला हुआ है, देखो कितना मस्त एक्टिविटी क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। तो राइट द फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। बच्चे यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस लिखते हैं। प्रॉपरली अल्फाबेट चूज करके लिखना है आपको। तो 6 अपॉन 36 राइट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइड फ्रॉम 6 1 6 6। तो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 6। नेक्स्ट, अ कमेटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, जैसा कि ऊपर उन्होंने बनाए थे 2 बॉयज और 2 गर्ल्स था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो पहले कमेटी बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर जगह बहुत कम है फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं बनाना यहीं पे। तो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो किस तरह से होगा ये, B1, B2, B3, G1, G2, G3। जिस तरह से ये रेड और ग्रीन का था सेम टू सेम आपका बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस लगी थी अपने को वहाँ पर, यहाँ पे 5 लाइंस है भी अपने पास, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो B1, B2 पहले बनेगा, फिर B1, B3 बनेगा, फिर B1, G1, B1, G2 एंड B1, G3। पूरे पेपर्स को हम लोगों को बहुत कम स्पेस में सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट, B2, B3,
B2G1, B2G2 एंड B2G3। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व कर दिए। उसके बाद में B3 का, तो B3 का पहले आएगा B3G1, B3G2 एंड B3G3। तो B का पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में थी आपका G वाला पार्ट रह रहा है, तो जगह नहीं है। G1G2 G1G3 और लास्ट में G2G3। इस तरह से इसका कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ओके, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, जो सेम ऊपर थी 15 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भी उतनी ही 15 पॉसिबिलिटी अपने पास है। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है। कमेटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स वाले कौन कौन से हैं। एटलीस्ट 2 गर्ल्स का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा, तो अपने पास 2 गर्ल्स वाले एक ही है, ठीक है, एटलीस्ट 2 वाला। तो ये G1 वाले जो भी है, G1, G2, G1, G3, G2, G3, तो ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो लेट इवेंट ए उसको लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इवेंट ए के अंदर क्या आएगा, G1, G2, G1, G3 एंड G2, G3। ये 3 पॉसिबिलिटी है, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इसका 3 है। फिर इवेंट बी लिख देंगे, पहले इवेंट लिख देंगे फिर बाद में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इवेंट बी के अंदर देखो आप लोग, द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटमोस्ट 1 गर्ल। एटमोस्ट 1 का मतलब होता है 1 या 1 से कम, 1 और 1 से कम। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग में जो पूरे बच गए हैं, ये 3 छोड़ के जो पूरे बच गए, वो 2 पूरे 12 एलिमेंट्स आपको लिखना है वहाँ पर। ओके, जो पूरा 12 एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखते हैं हम लोग इसको। B1, B2 विल कम फर्स्ट, B1, B2, B1, B3, B1, G1, B1, G1, B1, G2, B1, G3, B2, B3, क्योंकि सिर्फ एक ही गर्ल बोला हुआ है, तो इसीलिए ऊपर के जितने 2 गर्ल बचे हुए थे सबको आपको लिखना होगा। B2G1, B2G2, B2G3, B3G1, B3G2 और B3G3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 12। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करके। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 15 था, 3 1 3 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिला 1/5। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये हो गया 12/15, 3 4 3 5। तो आंसर इसका आया है 4/5। तो एक 1/5 है और एक 4/5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। 3 मैंने 2 मैंने 3 3 वाला जो है वो एक्सरसाइज के पहले सॉल्व एग्जाम्पल है, वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर्स आर टू बी मेड यूजिंग 3, 5, 6, 8 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो सैम्पल स्पेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो ये सब पहले देखे हम 35, 36, 38, 35, 36, 38। नेक्स्ट 53, 56 और 58, 53, 56 एंड 58। ये पैटर्न अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। 63, 65, 68 और नेक्स्ट 9 पे लिखने से ये अच्छा भी दिखता है और कोई भी वैल्यूज इवेंट फाइंड करना आपको बहुत इजी पड़ेगा। नेक्स्ट 83, 85, 86। तो इस तरह से 3, 6, 9, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आपका 12 आ गया। द नंबर इज़ ऑड, पहला इवेंट बोला हुआ है कि नंबर इज़ ऑड, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज़ ऑड। तो ऑड नंबर कितने हैं सब ढूंढ के लिखना आपको। पहली लाइन में 35 ऑड है, सेकंड लाइन में 53 ऑड है,
थर्ड लाइन में 63-65 दो ऑड है, 63-65 दो ऑड है। फोर्थ लाइन में 83-85 तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 मिला हम लोगों। बी निकालते हैं, इवेंट बी द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो नंबर डिविजिबल बाय 9 आपको ढूंढ के लिखना है। तो पहली लाइन में 9 के टेबल बोलते हैं, 9 4 36 तो 36 आता है, 9 5 45 नहीं है, 9 6 54 वो भी नहीं है, 9 7 63 यस 63 है, 9 7 72 9 9 81 तो सिर्फ दो ही नंबर मिल रहा है आप लोगों। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 6 upon 12, 6 1 6 2 तो 1 upon 2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो ये होता है 2 upon 12, 2 1 6 तो 1 upon 6। इस तरह से हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 100 होल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 or 12। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 है या फिर डिविजिबल बाय 12 है। सबसे पहले आपको लिखना है कि फर्स्ट होल नंबर्स कितने, 100 होल नंबर्स, तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 100 नंबर्स है, तो एक कम लेना होगा आपको क्योंकि आपने 0 ऑलरेडी ले चुका है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस हमारा हो गया 100। क्लियर, बहुत सिंपल सा लॉजिक। अगर नेचुरल नंबर होता तो 1 से 100 लेंगे हम लोग, बट क्योंकि होल नंबर है 0 ऑलरेडी स्टार्ट में है तो हम लोग 99 पे स्टॉप कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप लोग 100 तक ले लेते तो ये 101 हो जाएगा, फिर तो समी रॉन्ग हो जाएगा अपना पूरा। नेक्स्ट, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 or 12, तो 8 का टेबल और 12 का टेबल के हिसाब से आपको पूरा लिखना है। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 36, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। देन 80 पे ख़त्म नहीं होगा, आपको 99 तक जाना है। तो 8 11 भी देखेंगे हम लोग, 8 11 is 88। देन 8 12 is 96। तो अब ये अपना कंप्लीट हो गया 8 का टेबल, क्योंकि 90 इसके बाद में 100 के ऊपर चले जाएगा। अब हम लोग 12 का टेबल जब लेंगे तो चेक करना है कि ऑलरेडी कोई वैल्यूज हो गई है कि नहीं। तो सब में 12 1 12, 12 2 24 हो चुका है, 12 3 36 हो चुका है, 12 4 48 हो चुका है, 12 5 60 नहीं हुआ है, 12 6 72 हो चुका है, 12 7 84 नहीं हुआ है, उसके बाद 12 8 96 वो भी हो चुका है। तो इस तरह से 12 के टेबल में सिर्फ 3 ही नंबर मिले हम लोग को, 12 60 और 84। इसके बाद में 96 आता है जो ऑलरेडी हो चुका है, और फिर वापस 100 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये टर्म्स भी स्टॉप हो गए। काउंट कर लें कितने नंबर है, ये 10 है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में 11 12 13 14 15, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 15। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था, बट क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट अगर हम लोग आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अपने लिए। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है 15 और नंबर ऑफ एस 100, इसको डिवाइड करेंगे 5 3 5 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 upon 20। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे एक हॉर्स टाइप क्वेश्चन बनाया है बोर्ड ने, इसको हम लोग हॉर्स लिख देंगे। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल अपने को थोड़ा यूज़ करना है यहाँ पे।
और इसको सॉल्व करने का भी शॉर्टकट तरीका हम लोग देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी था, एक आपको प्रॉब्लम सेट में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, तो अगर कभी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सिंपल है। देयर आर टू कोस कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जिसका सेंटर सेम है, ऑफ रेडियस 5 एंड 10 सेंटीमीटर। एक का रेडियस 5 है, दूसरे का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एन एरो शॉट बाय यजुवेंद्र विल सर्टनली हिट इनसाइड द लार्जर सर्कल, तो कम से कम उसका एरो लार्जर सर्कल के अंदर तो आने ही वाला है। इसका मतलब जो बाहर का जो बोर्ड का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अपने को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इजी पार्ट है, अपने को सिर्फ 2 सर्कल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, 3 एरिया अपने पास है। कितने एरिया है? 3 एरिया है जहाँ पे एरो गिर सकता है, एक स्मॉलर सर्कल, एक लार्जर सर्कल और एक जो बिटवीन दोनों सर्कल के है वो सर्कल, ठीक है, बिटवीन 2 सर्कल का जो एरिया है वो। तो ये 3 एरिया अपने को मालूम होना चाहिए, ओके, एरिया ऑफ लार्जर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और एरिया ऑफ बिटवीन पार्ट। ये 3 एरिया अगर आप निकाल लोगे तो इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी निकालना आपके लिए बहुत इजी है। सब में पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो एरो शॉट बाय यजुवेंद्र विल सर्टेनली हिट इनसाइड द लार्जर सर्कल, यजुवेंद्र जो एरो मार रहा है वो लार्जर सर्कल के अंदर आने वाला है। देयरफॉर एस विल बी एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, क्या होगा? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एस आपका एरिया ऑफ लार्जर सर्कल होने वाला है। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। तो लार्जर सर्कल है तो इट विल बी 3.14, ये इजी हो जाएगा अपने लिए, into 10, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 314, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लार्जर सर्कल का एरिया मिल गया। अब द एरो विल हिट इनसाइड द सर्कल ए, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये आपका इवेंट ए रहेगा। क्या रहेगा? इवेंट ए, इवेंट ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो नंबर ऑफ ए आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर, आर है 5 इंटू 5, तो ये हो गया 3.14 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको ध्यान दो, ये 3.14 इंटू 100 था तो 314 आया। इसको अगर आप लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आपका बहुत सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। देखो 314 को अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो जो लास्ट वाला पार्ट है वो 314 होने वाला आपका। पहला पार्ट जो रहेगा उसका हाफ वाला वो 157 रहेगा, ओके। 314 का हाफ कितना होता है? 157। 157 का भी हाफ लगेगा आप लोग वो 78.5 होगा। जो थर्ड पार्ट रहेगा वो ये दोनों का एडिशन, 157 और 78.5, ये रहेगा 235.5। तो ये 3 पार्ट आपको याद रखना है, 1, 2, 3, ताकि बहुत सिंपल फॉर्म में ये सॉल्व हो जाए, हर बार अपने को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। 314 को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किए, लार्जेस्ट पार्ट ये रहेगा, हाफ पार्ट 157 है, 1/4 पार्ट है, ये 2/3 पार्ट है, ठीक है। तो 3.14 इंटू 25, इसका आंसर है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल भी मिल गया, ये आपका इवेंट ए था। अब नेक्स्ट, द एरो विल हिट बिटवीन द 2 सर्कल्स ए एंड बी, तो ये इवेंट बी के अंदर एरो जो है दोनों सर्कल के बीच में, एरिया ऑफ सर्कल बी माइनस ए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सर्कल बी माइनस एरिया ऑफ सर्कल ए, वो आपका रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो दोनों का पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, 314 को 78.5 से माइनस कर देंगे, 314 को 78.5 से माइनस, एक पार्ट निकाल देंगे तो 1/3 पार्ट बचेगा, तो द आंसर विल बी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया हम निकाले, 314 में से इतना पार्ट हमने माइनस कर दिए
तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा आपके पास। लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकालना है सिंपल सा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 78.5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 314। तो क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 314 को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, तो अपने को इसका टेबल मालूम पड़ गया है। 78.5 वन ज़ा, 78.5 टू ज़ा, 78.5 थ्री ज़ा और 78.5 फोर ज़ा। तो वन ज़ा और फोर ज़ा, तो पहला आंसर मिला हम लोग को 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी कितना है आपको वो देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मिला है 235.5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस है 314। इसको भी डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये थ्री ज़ा है और ये फोर ज़ा, 78.5 थ्री ज़ा, 78.5 फोर ज़ा, तो ये 3/4। आप लोग पॉइंट करके ज़ीरो डाल के टू से इस तरह से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली मैंने आपको 314 को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके शॉर्टकट बता दिया हूँ। पाई को इस तरह से लेंगे तो आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉट्स का, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो आप लोग इसको ईजिली सॉल्व करके फुल 3 या 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैथ्स 1 के सारे क्वेश्चंस अब अपलोड हो चुके चैप्टर वाइज, जो भी रिड्यूस सिलेबस के थे, अब मैथ्स 2 के वीडियोस अपलोड हो गए।